अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बस सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी मुर्गियाँ जो देसी वैरायटी मैंने रखी हुई थी आपके साथ। जो मेरे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने देखी होंगी, मैंने उनको काफ़ी टाइम से शौक कराया था इनका। छोटे बच्चे लेके आया था, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ी भी हो गई हैं। इनमें अभी तकरीबन जो है 3 मुर्गों का डाउट कन्फर्म हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 मुर्गे इसके अंदर कंफर्म हैं। एक ये दोनों वाइट कलर के जो भी हैं मुर्गे हैं इसके अंदर, और एक ये जो है रेड कलर का, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला। बाकी तकरीबन मुर्गियाँ, और आप व्यूअर सोच रहे होंगे कि इसमें छोटी मुर्गियाँ क्यों हुए हैं, मतलब इस तरह से छोटा साइज़ क्यों है। मतलब ये भी इनकी के साथ ही आए थे, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से कुछ अंदर इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है ना इनका साइज़ नहीं बढ़ता बड़ी जल्दी। तो हालांकि देखा जाए तो ये भी उनके साथ ही गए थे छोटे छोटे जब मैं लाया था देसी चूज़े, जब मैंने ला के रखे थे। तो तब से यही हुआ कि जो हैं कुछ हेल्थी हो के बड़े हो गए माशाल्लाह। सबसे अच्छा साइज़ इसका है, ये साइज़ में बहुत अच्छा है देख सकते हैं आप। बाकी इसके अलावा जितने भी दूसरे हैं वो कम साइज़ में थोड़े कम हैं माशाल्लाह, जैसा भी कलरफुल। अभी वर्ष ये था कि इनकी जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया था कि भाई मैं इनके लिए केज बनाने जा रहा हूँ ऊपर। तो केज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इनका जो है एक दो दिन में मज़ीद ऊपर जो छत पे जो एक मैं केज बना रहा हूँ वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है इनको छत पे शिफ्ट कर देंगे, और इन्हीं की जगह पर मेरे जो दूसरे चूज़ हैं वो इस जगह पर छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से प्लानिंग हो रही है व्यूअर्स। तो अभी फ़िलहाल इनमें से कुछ मुर्गियों के पर वगैरह भी काटे थे, क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज ये थे कि ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने ये लगाया, क्योंकि ये इतना फ्लाई करके आ जाती थी ऊपर। तकरीबन 2 से 2.5 फीट की जगह है ये तकरीबन जाली, ये इसके ऊपर से ही फ्लाई करके बाहर आ जाया करते थे। तो उस टाइम पर वगैरह भी थोड़े कट कर दिए थे इनमें से कुछ मुर्गियों के, और उसके बाद जो फिर ये भी लगा के इसको कवर अप कर दिया। तो अभी हम चलते हैं ऊपर छत पे, आपको दिखाता हूँ कि केज जो है कहाँ तक कंप्लीट करा है मैंने। अभी चलते हैं ऊपर। अभी हम ऊपर आ चुके हैं व्यूवर्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने केज रेडी करा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तकरीबन काफ़ी हद तक काम कर दिया है मैंने इसका, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ और टाइम शॉर्टेज होने की वजह से जल्दी नहीं बन पा रहा। ये आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन जो भी है ये लोहे के बॉक्स चैनल लिए थे, जिससे अब मैंने जो है रिप्टो से काम करा था, रिप्टे लगाई थी इससे मैंने, और जो जाली लगाई है उसे भी वाशल रख के रिपेट लगाइए। तो ये साइज़ रखा है मैंने स्केच का, और इसके लिए जो मैं सीमेंट की चादर लाया था वो इसके ऊपर डालनी है। अब इसका काम सिर्फ इतना बचा हुआ है व्यूअर्स के इसका एक गेट लगाना है, और छत पे चादर डाल के उसको स्क्रू करनी है, और कुछ स्क्रू जो है नीचे भी लगाना है इसको फर्श में। दीवार पे तो स्क्रू लगाए थे कन्फर्म ताकि हिले नहीं आगे पीछे, यहाँ से तो मैंने जाम कर दिए 3 स्क्रू लगा के इस साइड से भी 3 साइड से। अब ये कि व्यूअर्स मज़ीद जो है नीचे वाली साइड पे 2-2 या 3-3 इसको ओके पक्का कर देना, ताकि इसकी इस तरह से जो हिलने की लचक है वो भी ख़त्म हो जाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो इसकी क्या कॉस्ट आई है और कितने में रेडी हो रहा है ये, तो सब मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।